वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फॉरेस्टर के मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको पता है फॉरेस्टर में जो मैथ्स का सिलेबस आपको दिया है वो 32 मार्क्स का है, लेकिन टॉपिक जो मेंशन किए हार्डली 10 टू 12 टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इट मींस हर टॉपिक से आपको दो तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, और सबसे वास्ट जो टॉपिक है वो दो हैं, एक मेंसुरेशन एक ज्योमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री में आपको पूरी ज्योमेट्री, क्योंकि वहाँ सिर्फ लिखा है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आपको लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल्स, पॉलीगन सारा कुछ पढ़ना है। सो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले हैं। सो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं सिलेबस, कौन से टॉपिक हमने पहले से पढ़े हुए हैं, जिनकी वीडियोज अपलोडेड है प्ले लिस्ट में, और कौन से रह रहे हैं जिनको अभी मैंने अपलोड करना है वो देख लेते हैं। पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये आपका मैथ्स का सिलेबस, देखो पहला टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला टॉपिक ये आपको कौन सा दिया हुआ है, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका सारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ जाता है, जिसमें नंबर सिस्टम आ जाएगा आपका पूरे का पूरा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, नंबर सिस्टम पड़ा हुआ है उसकी वीडियो अपलोड है, ठीक है, विद एमसीक्यू। सिंप्लीफिकेशन के मैं एमसीक्यू की वीडियो लाने वाला हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन की सारी वीडियो अपलोडेड है प्ले लिस्ट में, फॉरेस्टर मैथ्स प्ले लिस्ट में जाना है वहाँ पे मिल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो इनफ है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इनफ है। ठीक है, जो रह रहा है वो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। कंपाउंडिंग आपका इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ना है, वो भी अपलोड है। डिस्काउंटिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है, उसी में कवर हो जाएगा। मेंसुरेशन भी एक वास्ट टॉपिक है, इसमें भी आपको तीन चार क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, पांच भी हो सकते हैं मेंसुरेशन से। सो 3D जितनी भी मेंसुरेशन है, ठीक है, स्फीयर्स, सिलेंडर, कोण, वो सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, वो अपलोडेड है। 2D मेंसुरेशन रहती है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। ज्योमेट्री हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्री लेंथी टॉपिक है, सो दो तीन वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, ये तो सिंपल है, ये भी हो जाए, ये भी अपलोड करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी अपलोड है, बिकॉज ये सेक्टर के सिलेबस में भी थी, वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। सो आप अगर जाओगे यहाँ पे प्ले लिस्ट में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के सारे तीन पार्ट्स हैं, सारे देखने आपको अच्छे से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको तीन क्वेश्चन मिलने वाले। फिर स्टैटिक्स पढ़नी है आपने, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई हुई है। सो कुछ टॉपिक जो पढ़ाए हुए हैं पहले आप उनको जाके देखो प्ले लिस्ट में, बाकी जो रहते हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 32 मार्क्स का मैथ्स है तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा थोड़ा। 32 मार्क्स का है, यहाँ पे 10 मार्क्स का नहीं है। सो मैथ्स आपको इन टॉपिक्स के अलावा भी जो टॉपिक्स हैं जो जरूरी हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जहां से भी पेपर आ सकता है। सो ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे, पहले तो लाइंस एंड एंगल्स वाला टॉपिक आता है वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट से पहले, जैसे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट आपको पता है एक डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट, विच हैज़ नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर थिकनेस, ठीक है, बट हैज़, फिर उसके पास उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बट हैज़ अ पोजीशन। पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन से डिफाइन करते हैं। सो पॉइंट एक डॉट होता है जिसकी ना ही कोई लेंथ होगी ना ब्रेथ होगी ना थिकनेस, बट इट हैज़ अ पोजीशन। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, लाइन के एक पार्ट को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, द पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन हो जाएगी जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, बट लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, द स्ट्रेट पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। अगर दो पॉइंट्स के पास एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी, इनको जो स्ट्रेट पाथ ज्वाइन करेगा उसी को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। देखो इसके दो एंड पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट होगा ए, एक एंड पॉइंट होगा बी, ठीक है। रे क्या होता है, रे होती है जिसका एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है, एक एंड पॉइंट होगा, बट दूसरी तरह से इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड अ रे। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, यहां पे फिगर बनाई हुई है, देखो रे हैज ओनली वन, यहां पे एंड पॉइंट होगा, दूसरी तरफ ये वी कैन एक्सटेंड इट टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सिमिलरली लाइन आ जाएगा, फिर लाइन हो जाएगा जो दोनों तरफ से जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी। दैट मींस अ लाइन, लाइन में आपका कोई भी एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से एरो बनाना आपने, ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट इसका नहीं होगा। तो याद क्या रखना, तीनों में डिफरेंस, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स, ठीक है, रे में एक एंड पॉइंट, और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे, दो या दो से ज्यादा लाइंस जिनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा, देन दी लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जांपल यहां पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है, मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ओ, ये इनका कॉमन पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट दोनों लाइंस पे है। फॉर एग्जांपल ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो ये वाला पॉइंट लाइन एल पे भी लाई करता है और ये वाला पॉइंट लाइन एम पे भी लाई करता है। ये पॉइंट जो है दोनों लाइंस पे लाई करता है, इस पॉइंट को बोलेंगे कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पे लाई करता है, और इस तरह की लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉन्कुरेंट लाइंस बोलते हैं हम, टू या मोर लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हूँ एट पॉइंट पे, उनको कॉन्कुरेंट लाइन बोलते हैं। सो इन दोनों लाइंस को मैं कॉन्कुरेंट लाइंस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन तीनों लाइंस को भी मैं कॉन्कुरेंट लाइन बोल सकता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आपका जाता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपको पता है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। अगर वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, देन वी कैन कॉल देम एज पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस किस तरह से होंगी, हमेशा वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इस तरह से। अब इनको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लो आगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या ये लाइंस पैरेलल होंगी, अगर मैं इस तरह से इन लाइंस को बनाता, क्या ये लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अभी तो दिख रहा है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट जब इनको मैं प्रोड्यूस करूंगा, इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा और इसको भी आगे प्रोड्यूस करूंगा, यू विल गेट टू नो दैट ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, तो इस तरह की लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, उनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें।
डिनोट कैसे करते हैं, अगर दो लाइंस हैं आपके पास सपोज ए बी एंड सी डी और वो दूसरे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस तरह से लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस आपको दी हैं ए बी एंड सी डी। अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो ट्रांसवर्सल इज नथिंग, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक लाइन उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लैक लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और ये रेड लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, देखो चार एंगल्स यहाँ पे इस लाइन के साथ बन रहे हैं ए बी के साथ। ठीक है, और चार एंगल्स बन रहे हैं सी डी के साथ, इनको हमने मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स डिफाइंड हमने किए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल, इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, वही हमने पढ़ना है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो नाम से पता चल रहा है, एक तो अल्टरनेट और इंटीरियर। यहाँ पे देखो चार एक्सटीरियर एंगल है, चार इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर जो बाहर वाली तरफ होंगे, जैसे 1 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, 2 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ये 7 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है और ये 8 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल जो अंदर वाली तरफ होंगे 3 4 5 एंड 6, ये इंटीरियर एंगल्स है। अब आपको कौन से इंटीरियर एंगल्स देखने, अल्टरनेट, अल्टरनेट हो गया अपोजिट वाले, जैसे 3 का अल्टरनेट 6 हो जाएगा और 5 का अल्टरनेट 4 हो जाएगा, या नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने अपनी मर्जी से नाम दिए। ठीक है, इस एंगल का जो अल्टरनेट होगा वो ये वाला एंगल होगा और इस एंगल का जो अल्टरनेट होगा वो ये वाला एंगल होगा। सो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, 3 एंड 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड 5 एंड 4। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, इट मींस इसमें 3 और 6 इक्वल होंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, हमेशा ये इक्वल होंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 का 6 है और 5 का 4 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 हो जाएगा और 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 हो जाएगा। सो वही लिखा है यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर देखो 4 एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, 4 नीचे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, जैसे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है 5, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7 हो जाएगा। सिमिलरली 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका 6 हो जाएगा एंड 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका 8 हो जाएगा। तो ये चारों पेयर्स आपस में इक्वल होंगे, दैट मींस वी कैन राइट एज एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नॉन अल्टरनेट इंटीरियर, पहले हमने बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब नॉन अल्टरनेट मतलब जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे 3 का नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा 5 और 4 का नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा 6। अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक तो इंटीरियर और दूसरा नॉन अल्टरनेट, तो वो कौन से पेयर बनेंगे, 3 एंड 5, 4 एंड 6। तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, इट मींस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। वही यहां पे लिखा है, नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मींस उनका सम 180 होगा। तो नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से, 3 और 5 थे, सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली 4 एंड 6 थे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ऐसी एक फिगर दे देगा, एक एंगल दे देगा, अगर इन 8 एंगल में से एक भी एंगल गिवन हो तो बाकी सारे हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फिगर में। अगर आपको एक भी एंगल गिवन हो आप बाकी सारे फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये एंगल 3 दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल 3 अगर 30 डिग्री आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 6 भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी 30 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है 7, तो 7 भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो। यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 6 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, ये भी याद रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। सिमिलरली 3 अगर 30 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो 2 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसको मैं 30 लिख सकता हूँ, ये भी 30 हो जाएगा। ये अगर 30 है तो मुझे बताओ इसका ये वाला एंगल, अगर एंगल 2 अगर 30 है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा 7, वो भी 30 होगा, तो वो तो हमने लिख दिया 30। ठीक है, एंगल 5 कितना होगा, एंगल 3 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि ये नॉन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये 30 है, तो ये 180 माइनस 30 दैट इज ये 150 होगा। तो ये 4 इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी 150 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 150 हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा, 8 बचा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी 150 हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे आपको एक एंगल बताओ तो आप बाकी सारे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको हर बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ज्योमेट्री की, तभी जाके आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर पाए। सो राइट एंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। अक्यूट एंगल हो जाएगा, जो 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल हैं उन सभी को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री 75 डिग्री 90 से छोटा होना चाहिए वो अक्यूट एंगल होता है, और 0 से बड़ा। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, दैट इज 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल लाइक करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सिमिलरली नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा उसको रिफ्लेक्स एंगल, और कंप्लीट एंगल हम बोलते हैं जो पूरा 360 डिग्री का होता है। जैसे ये राइट एंगल आ गया 90 डिग्री, ये अक्यूट एंगल, देखो 90 से छोटा है, 90 तो यहाँ पे बन रहा है ना, 90 तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये तो 90 से छोटा है इसलिए अक्यूट एंगल है। ये 90 से बड़ा है, देखो 90 तो यहाँ पे बनेगा, ये 90 है, ये वाला 90, ये 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो 180 से भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 180 बनेगा, ये एंगल आपका 180 है, ये वाला, ये 180 से भी बड़ा है, सो इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल।
नेक्स्ट नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। सिंपल, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज 30 और 60 का सम कितना होता है 90 होता है। 40 का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो 50 हो जाएगा, 50 का कॉम्प्लीमेंट 40 हो जाएगा। 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 हो जाएगा, 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 हो जाएगा। सिमिलरली 0 का कॉम्प्लीमेंट 90 होगा, 90 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। ठीक है, सो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखो इन सब का सम 90 डिग्री है, सम करके देख लो। सिमिलरली ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 90 का सप्लीमेंट 90 होगा, 120 का सप्लीमेंट 60 होगा, और 60 का सप्लीमेंट 120 होगा, 70 का सप्लीमेंट 110 होगा, 110 का सप्लीमेंट 70 होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सप्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सो लाइंस एंड एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रायंगल। ठीक है, सो ट्रायंगल, पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सेकेलेन ट्रायंगल, आइसोसेलिस, इक्विलेटरल। ठीक है, सेकेलेन ट्रायंगल्स हो जाता है जिसकी तीनों साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ हो। अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है देन द ट्रायंगल इज नोन एज सेकेलेन ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल, अगर तीन में से दो साइड्स इक्वल हो जाए देन द ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलिस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए देन द ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल्स आर नोन एज अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल अक्यूट एंगल हो, याद रखना यहां पे क्या लिखा है, हैविंग ऑल एंगल्स एज अक्यूट एंगल इज नोन एज अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो है वो क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज होगा। अब वन क्यों होगा, सारे क्यों नहीं होंगे, सारे हो ही नहीं सकते। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा, और जो ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। अगर दो एंगल ही 90 से बड़े हो गए तो उनका सम 180 से बड़ा नहीं हो जाएगा। सो एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है और बाकी दो अक्यूट है देन द ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल भी एक ही हो सकता है। सो अगर कोई ट्रायंगल के पास, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, देन द ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, ये तो पता होगा आपको, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी आती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। अब इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा? तीनों साइड में से किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करो तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करो आगे, फॉर एग्जांपल मैं बीसी को प्रोड्यूस करता हूं, तो मैंने यहां पे क्या किया, बीसी को आगे प्रोड्यूस किया, ये बीसी को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये जो बाहर एंगल बन रहा है दिस एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको मैं मान लेता हूं एंगल वन। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को क्या नाम दिया, एंगल वन। सो एक्सटीरियर एंगल वन इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल जो होंगे, ये तो इसका आ जाएगा कौन सा, एडजेसेंट वाला, अपोजिट वाला हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल बी। सो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सिमिलरली अगर मैं किसी और साइड को प्रोड्यूस करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ए बी को प्रोड्यूस करता हूं, ये ए बी को मैंने आगे प्रोड्यूस किया, तो यहां पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इसको मान लेता हूं टू, ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ए एंड सी। सो एंगल टू विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। सिमिलरली किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यहां पे मैंने सी ए को प्रोड्यूस कर दिया यहां पे, ठीक है, सी ए को प्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बना, इसको मान लेते हैं एंगल थ्री। सो एंगल थ्री विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल देखने वो है बी और सी, देखो थ्री के अपोजिट, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, किसी भी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है, अगर दो साइड्स की लेंथ को आप ऐड करोगे वो हमेशा बड़ी आएगी थर्ड साइड की लेंथ से। इट मींस सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो मैं दो साइड्स की लेंथ को ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस ए सी करता हूं। सो ए बी प्लस ए सी, सो द सम ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड दैट इज बी सी। तो ये प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम जो होगा हमेशा तीसरी साइड की लेंथ के बड़ा होगा। सिमिलरली वी कैन ऐड अदर टू साइड आल्सो, ए सी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी, एंड थर्ड आपका हो जाएगा बी सी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी, ऐसा कभी नहीं होगा ट्रायंगल में, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तीन साइड्स दे देगा, बताओ ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको तीन साइड्स दे दी, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर, क्या ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी ये साइड्स हो सकती हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सामने दिख रहा है, अगर मैं इन दो साइड्स को सम करता हूँ 1 प्लस 2 वो आएगा 3, विच इज लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड 4, तो ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिसफाई नहीं कर रहा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। सो ये ट्रायंगल कभी भी नहीं, ऐसी कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसकी ये साइड्स होंगी 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर। तो यहाँ से आप साइड्स को देख के बता सकते हो कि वो ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब सम हो गया, अब डिफरेंस की सेम प्रॉपर्टी है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स, ये जो डिफरेंस अगर दो साइड्स का करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा, इज ऑलवेज लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर सम करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस करोगे तो ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड होना चाहिए। नेक्स्ट, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड वाइस वर्सा। क्या मीनिंग हुआ इस प्रॉपर्टी का? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड्स की लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं 5 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर है एंड ये आपकी 6 मीटर है,
ठीक है, ये आपके आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड्स की लेंथ है, ठीक है, यह मान लिया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दी एंगल अपोजिट दी साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, सेकंड लार्जेस्ट जो एंगल होगा उसकी अपोजिट वाली साइड की लेंथ जो है वो सेकंड लार्जेस्ट होगी, और सबसे छोटे वाले एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। यहाँ पे मैंने साइड्स की लेंथ ली है, तो अब मैं एंगल्स का रिलेशन बता सकता हूँ, क्योंकि साइड्स का रिलेशन अगर पता हो तो एंगल्स का बता सकते हो। 7 मीटर सबसे बड़ी है तो इसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, इट मीन्स एंगल सी इज ग्रेटर देन, ठीक है। दूसरे नंबर की साइड कौन सी है, 6 मीटर, तो इसके अपोजिट वाला एंगल दूसरे नंबर पर होगा इज ग्रेटर देन एंगल ए, इज ग्रेटर देन, ये सबसे छोटी साइड है तो इसके अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होगा एंगल बी। तो अगर साइड्स की लेंथ पता हो तो आप एंगल्स का रिलेशन बता सकते हो, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल सी होगा, उससे छोटा एंगल ए होगा और सबसे छोटा एंगल बी होगा। सिमिलरली अगर आपको एंगल्स पता है तो आप साइड्स की लेंथ बता सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको एंगल्स पता है किसी ट्रायंगल के, ये 70 है, ठीक है, ये आपका 30 है, 70 30 100, और ये आपका हो जाएगा 80। अब सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी, जो बड़े एंगल के अपोजिट होगी, तो 80 के अपोजिट ये वाली साइड है कौन सी, ए बी सी मान लो ए सी, सो ए सी की लेंथ सबसे बड़ी होगी, फिर 70 के अपोजिट है ए बी, उससे छोटी ए बी होगी, और 30 सबसे छोटे एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी बी सी। सो अगर एंगल्स पता हो तो साइड्स की साइड्स के बीच में ये रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग हुआ, ठीक है, दी एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, दी साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आपको पता ही है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑन ट्रायंगल, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। सो आज की वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको डिटेल में फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। सो जो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हो। फॉरेस्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर पे, ठीक है, 9797400224, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए किसके फॉरेस्टर के। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।